अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रज़ी ताहिर और मेरे साथ हैं मोटिवेशनल स्पीकर हैं, यंग एक्टिविस्ट हैं, बहुत से अवार्ड अपने नाम कर चुके हैं और इतनी कम उम्र में इनका नाम है, इनकी पहचान है, अली अहमद आवान। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? बहुत शुक्रिया आपका मुझे इनवाइट करने का। यहाँ पे आपका टाइम लेना अब मुश्किल हो गया, थोड़ा डिफिकल्ट हो गया। नहीं नहीं, आपके लिए तो हमेशा हाजिर है क्योंकि आप काफ़ी पुराने साथी हैं और मुझे खुशी होती है आपकी एक्टिविटीज़ देख के। अच्छा अली, मोटिवेशन, आप बहुत से नौजवानों की मोटिवेशन का ज़रिया हैं, बहुत से नौजवान आपसे इंस्पायर हो रहे हैं। आपका YouTube मैं चेक करता हूँ, आपकी ऐसी छोटी छोटी ट्रिकी वीडियोज़ आती हैं कि जो हमारे लिए मोटिवेशन का बायस हैं। आपकी अपनी मोटिवेशन कौन है? अच्छा, मैं इस चीज़ के हक में हूँ कि हमें ना हर इंसान से सीखना चाहिए। मैं ज़्यादातर जो जोर देता हूँ वो बुक्स पे देता हूँ क्योंकि मैं बुक से बहुत कुछ सीखता हूँ। मेरा ये होता है कि मैं ज़्यादातर ना समरीज पढ़ लेता हूँ बुक्स की और उससे मुझे आइडिया हो जाता है कि इस बुक में ऐसा क्या है। क्योंकि जब हम कहते हैं ना कि एक बुक को पूरा हमने पढ़ना है तो उससे फिर हम प्रोक्रेस्टिनेशन का भी अक्सर शिकार हो जाते हैं और अक्सर हम डिले कर देते हैं उस काम को। तो मैं अक्सर समरीज पढ़ लेता हूँ बुक्स की और उससे आइडिया लेता हूँ डेली बेसिस पे। एक होती है इंट्रिंसिक मोटिवेशन, एक होती है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। यानी इंट्रिंसिक वो होती है जो कि आपके अंदर से निकलती है मोटिवेशन। तो मैं क्योंकि ऐसा बनता हूँ जो कि खुद मोटिवेट रहता हूँ, मुझे किसी एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत नहीं होती। जबकि बहुत ऐसे लोग होते हैं जिन्हें एक सोर्स की जरूरत होती है, एक एक्सटर्नल ट्रिगर की जरूरत होती है। अब वो मोटिवेशनल वीडियोस देख लेते हैं जिससे कि वो मोटिवेट हो जाते हैं और वो अपने काम के ऊपर अच्छी तरह फोकस कर लेते हैं। तो मैं इंट्रिंसिक मोटिवेशन के ऊपर बिलीव रखता हूँ और जबकि मैं उन लोगों की हेल्प कर रहा होता हूँ जिन्हें इंट्रिंसिक मोटिवेशन चाहिए होती है। बहुत से जिंदगी के अंदर ऐसे करेक्टर्स होते हैं जो इंसान को इंस्पायर करते हैं। को ऐसा कौन सा करेक्टर है जिसने आपको बचपन से इंस्पायर किया हो, आज तक आप उसके हसार के अंदर हों कि यार ये वो शख्सियत है जिसने मेरी ज़िंदगी बदल दी है? मेरे पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स ने मुझे इंस्पायर किया क्योंकि मेरे घर में ही इतनी शानदार मोटिवेशन है। मेरे फादर जो कि पाकिस्तान के ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के पहले टीवी एंड रेडियो होस्ट हैं विद मल्टी डिसेबिलिटी, मतलब उन्होंने मल्टीपल डिसेबिलिटी के साथ जितने उन्होंने चैलेंजेस फेस किए और जिस तरह उन्होंने उसे ओवरकम किया, मतलब वो तो मेरे लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। जिस तरह उन्होंने मुझे बताया कि आपने कैसे चैलेंजेस को फेस करना है, उन्होंने मुझे गाइड किया कि आपने किस तरह इस फील्ड में और एक्सेल करना है। मतलब उनकी गाइडलाइन तो मेरे साथ हमेशा रहती है और मैं अब तो वीडियोस खुद बना लेता हूँ और मैं उन्हें दिखाता हूँ कि ये मैंने वीडियो बनाई है, तो उसमें वो मुझे बेहतर गाइड करते हैं कि इसे और भी बेहतर बनाया जा सकता है। क्योंकि हम कभी परफेक्ट नहीं होते, हमें हमेशा किसी सजेशन की जरूरत होती है। तो मेरे फादर मुझे गाइड करते रहते हैं, इसी तरह मेरी मदर जो कि एक रोल मॉडल है पूरी दुनिया में औरतों के लिए, जिन्होंने मेरे फादर के साथ शादी की और एक रोल मॉडल कपल है मेरे पेरेंट्स का, तो वो मुझे इस तरह गाइड करती रहती हैं। तो वो दोनों काफी इनकरेज करते हैं, काफी अच्छी सपोर्ट मिलती है मुझे घर से और फिर मैं कर पाता हूँ इस तरह की वीडियोस। बहुत ही जबरदस्त बात है, वालदैन जिनके लिए इतने ज्यादा सपोर्टिव और ऐसे वालदैन जो खुद अपनी जात में एक मशल हो, अंजमन हो, उनके साया आपने परवरिश। अभी आप मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, तलबा से मिलते हैं, पाकिस्तान के तालिब इल्म का, पाकिस्तान की यूथ का सबसे बड़ा मसला क्या है? सबसे बड़ा मसला जजमेंटल हो जाना, परफेक्शनिज्म है सबसे बड़ा मसला। सबसे बड़ा मसला उनका ये है कि जो मैं समझता हूँ कि जो कौमी बीमारी है पाकिस्तान की, वो ये है कि लोग क्या कहेंगे। मतलब कहीं ना कहीं पूरे यंगस्टर्स के अंदर मैंने देखा है कि उनके अंदर शेम है, मतलब वो उस शेम को हील करने के लिए तैयार नहीं है। मतलब वो कोई, आप देखें पीएचडी करते हैं आप लोग और वो अपनी उस डिग्री के मुताबिक जॉब लेने के लिए हमेशा राजी रहते हैं। वो कभी छोटे लेवल की जॉब नहीं करना चाहते, वो कभी कोई छोटे लेवल का काम नहीं करना चाहते, उनके लिए वो छोटे लेवल के काम होता है। जबकि मैं उन्हें कहा करता हूँ कि अगर आपको छोटे से छोटा काम भी करना पड़े तो वो जरूर करें, बोले इसमें कोई शेम नहीं आड़े आनी चाहिए आपके। तो आप देखते हैं कि पाकिस्तान की जो ये यूनिवर्सिटीज की डिग्रीज हैं, ये जो हम डिग्रियां लेकर इतना बोझ उठा के बाहर निकलते हैं, ये डिग्रियां और ये पूरा जो हमारा तालीमी प्रोसेस है, ये तालिब इल्म को इतना ज़्यादा इंकरेज कर सकता है, इतना ज़्यादा तरबियत, इतनी ज़्यादा तालीम देता है और इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस देता है कि वो जैसे ही फील्ड में बाहर जाए, तो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह का कोई निज़ाम है। तो ऐसे में तो नौजवान की यही साइकी होनी चाहिए। इसमें एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करने की ज़रूरत है। अगर मैं कहूँ कि डिग्री के साथ साथ ना आपको अपने स्किल के ऊपर भी काम करना चाहिए। अब आपने ये वेट नहीं करना, जिस तरह यंगस्टर्स वेट करते हैं ना कि जब मेरी डिग्री ख़त्म हो जाएगी उसके बाद मैं कहीं जाके ना अपनी स्किल्स के ऊपर काम करूँगा। आजकल यही है, आजकल यंगस्टर्स क्या करते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं और वो अपने आप को डेडिकेटेड कर देते हैं। यानी उन 16 साल में, उन 18 साल में वो कहीं और कोई हाथ पाँव नहीं मारते, वो कहीं और कोई स्किल नहीं सीखते, वो कोई यूट्यूब का इस्तेमाल नहीं करते, कि वो यूट्यूब पर क्वेश्चन ही नहीं करते कि हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल
person. वो खाली जो आस्था उनका एक होता है वो होता है यूनिवर्सिटी कि यूनिवर्सिटी ने मुझे सब कुछ सिखा देना है. वो कभी भी अपनी पहचान खुद नहीं बनाते. तो मैं क्या करता हूँ कि भाई हमें अपनी पहचान खुद बनानी है, हमें अपने आप को खुद एक ब्रांड बनाना है. उसके बाद आप देखिए कि यूनिवर्सिटी की आप जरूरत बन जाएंगे. मतलब यूनिवर्सिटी आपको खुद कहेगी कि आपको स्कॉलरशिप्स देगी यूनिवर्सिटी कि ये बच्चा है जो कि हमारी यूनिवर्सिटी का नाम रोशन कर रहा है. आप एक खुद सक्सेसफुल मॉडल हैं, आप अपनी यूनिवर्सिटी के लिए फ़ख्र हैं, अपने शहर के लिए, बल्कि अपने पाकिस्तान के लिए, अपने मुल्क के लिए. आप अपनी लाइफ स्टोरी किस तरह नौजवानों को शेयर करेंगे कि आप, आपकी उम्र वैसे क्या है? मेरी उम्र 20. 20 साल की उम्र में आप इनके YouTube पे जा के सब्सक्राइबर देखें, इनकी वीडियोस देखें, उसके अंदर जो चीज़ ये प्रेजेंट कर रहे होते हैं वो देखें, तो आप अपने लिए, अपने आप को सामने रखते हुए नौजवानों को क्या कहेंगे कि ये एक रास्ता है, इसको अपना लें और आप तरक्की की मंजिल तक पहुंच जाएंगे? अच्छा रज़ी भाई, इसमें ना मैंने कभी परफेक्ट मोमेंट का इंतजार नहीं किया. मतलब मैंने ये नहीं सोचा कि मेरी अब एज जो है ना वो 25 हो जाएगी, मेरी 30 हो जाएगी तो मैं तब जाके वीडियोज बनाना स्टार्ट करूंगा. आजकल जितने भी यंगस्टर्स मुझे अप्रोच कर रहे होते हैं, डेली बेसिस पे अप्रोच कर रहे होते हैं, मुझे मैसेजेस आ रहे होते हैं व्हाट्सएप पे, और वो यही बात कर रहे होते हैं कि हम वीडियोस बनाना कैसे स्टार्ट करें, हम मोटिवेशन स्पीकिंग की फील्ड में कैसे हैं, और आप हमें बताएं कि हमें गाइड करें कि हम किस तरह कामयाब हो सकते हैं. तो मैं उन्हें कहता हूं कि आपने परफेक्ट मोमेंट का इंतजार नहीं करना. कोई परफेक्ट मोमेंट आपकी जिंदगी में नहीं आएगी, आपने खुद उस परफेक्ट मोमेंट को क्रिएट करना है आप. क्योंकि यहाँ पे ना हमारे पाकिस्तान में हम अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे होते हैं, जबकि हम खुद अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं. आप बाहर निकले आपको जॉब्स ही जॉब्स मिलेंगी, और मेरा उन लोगों से शदीद खिलाफ है जो कहते हैं पाकिस्तान में जॉब्स नहीं है. यहाँ पे जॉब्स अवेलेबल हैं, बंदे नहीं. तो यूट्यूब की जानिब से सिल्वर बटन भी मिला है जी, बिल्कुल. और आपने ये बता रहे हैं कि मैं पहली अपनी वीडियोस में एक एक लाइक, दो दो लाइक, तीन तीन लाइक होते हैं. अभी यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, इतने ज्यादा प्लेटफॉर्म है, और हमारे नौजवान उनकी तरफ जा नहीं रहे. और हम इंडिया को देखते हैं, हमारी नस्बत तो इंडिया में हर दूसरा शख्स, हर दूसरा लड़का वो यूट्यूबर भी है, वो अपनी फील्ड में. ये नहीं कि हर बंदे ने आके कोई झूठ ही बोलना है, या कोई जिस तरह हमारे न्यूज़ में बदकिस्मती से झूठ बेचा जा रहा है, तो झूठ ही बोलना है. आप क्या समझते हैं कि कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिस पर बात की जाए और वो आपका चैनल हिट हो सकता है, यूट्यूब पर आप फेमस हो सकते हैं, नौजवानों को में आप मकबूल हो सकते हैं? अभी कल ही ना एक लड़की ने मुझे कॉल की, उन्होंने कहा कि मेरे पास अर्निंग का जरिया नहीं है, तो मैं क्या करूँ, मतलब मेरी पढ़ाई भी इतनी ज्यादा नहीं है. तो मैंने कहा आप अपना यूट्यूब चैनल को नहीं क्रिएट करती? कहती है बात तो मेरे माइंड में आई नहीं. तो कहती है उसके लिए मैं किन किन टॉपिक्स के ऊपर बात कर सकती हूँ? तो मैंने कहा बेशुमार टॉपिक्स हैं. मतलब आप कोई एक बुक लें और उस बुक की आप समरी, आप पढ़ें उस बुक को और उस बुक की आप समरी प्रेजेंट कर दें. मतलब एक वीडियो में आप उस बुक की समरी प्रेजेंट कर दें. जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं, जो चल रहे हैं ट्रेंडिंग टॉपिक्स, जो न्यूज चल रही है इस वक्त, आप उसके ऊपर एक तजिया दे सकते हैं. मतलब आप उसके बारे में क्या कहते हैं आप वो दे सकते हैं. जिस तरह जो करंट इश्यूज चल रहे हैं, जो सोशल इश्यूज चल रहे हैं हमारे सोसाइटी में, आप उनके ऊपर एक तबसरा दे सकते हैं. आप लोगों को इनकरेज कर सकते हैं कि हमने इस चीज को करना है और इस चीज को नहीं करना. तो बेशुमार ऐसे, मैं तो कहा करता हूँ कि जो सबसे ज्यादा ट्रेंड है ना यूट्यूब के ऊपर वो ये फनी वीडियोस का है. तो अब अगर आप देखें ना, तो ऐसा से ट्रेंड चेंज हो रहा है. अब ये जो ट्रेंड है वो एजुकेशन की तरफ जा रहा है. मतलब अब लोग जो है ना वो ज्यादातर एजुकेशनल वीडियोस देख रहे हैं यूट्यूब के ऊपर. ये सारा क्रेडिट जो है ये यूट्यूबर्स को जाता है और उन मोटिवेशन स्पीकर्स को जाता है जिन्होंने इतना शानदार ट्रेंड क्रिएट कर दिया है. और अब जो है ये यंगस्टर्स वो बजाय इसके कि वो फनी वीडियोज जाके देखें, वो प्रैंक्स देखें, वो एजुकेशनल वीडियोज को प्रेफर कर रहे हैं. तो बड़ा अच्छा चेंज है. नौजवानों को क्या पैगाम देंगे अपने फैंस को? मैं उन्हें यही कहूंगा कि वो नो कहना सीख लें. रज़ी भाई, पहले एक हमें ना पूरे ब्रोटअप जो हमारा किया गया है वो हमारे पेरेंट्स ने सिखाया, हमारे टीचर्स ने सिखाया कि आपने ना हर शख्स को यस करना है, हर बात को आपने यस करना है. अब जो कि जरूरत है 21वीं सदी में वो ये है कि हमें नो कहना सीखना चाहिए. हम डेली बेसिस पे बहुत सी ऐसी मीटिंग्स में जाते हैं जो कि अनप्रोडक्टिव होती हैं, जो कि काउंटर प्रोडक्टिव होती हैं इवन. मतलब जो कि हमें प्रोडक्टिव नहीं बना रही होती, जो कि हमें बहुत दूर ले जाती हैं हमारे गोल से. हम ऐसे, हमने कहीं नहीं भी जाना होता, वो हमें हमारा दोस्त कॉल करता है, कहता है यार आजो आजो जल्दी से यहाँ पे ना, हम लसानी का बर्गर खाते हैं, और हम वहाँ भी चले जाते हैं. हमारे पास इवन हम पैसे अपने वहाँ पे वेस्ट कर देते हैं, जैसे कि हम कोई बुक ले लें उन पैसों की. हम अपना टाइम वेस्ट करते हैं, अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं, और अपनी एनर्जी का भी ख्याल रखें. हमें डेली बेसिस पे जब हम सुबह उठते हैं तो एक खास कोटा होता है विल पावर का, एक खास कोटा होता है हमारी मेंटल एनर्जी का, और जब हम उन्हें छोटे छोटे डिसीजंस में वेस्ट कर देते हैं तो फिर हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं. तो एग्जॉशन से बचने का यही तरीका है कि आप देखें कि आपकी एनर्जी किस डायरेक्शन में लग रही है.
हाँ जी, 20 साल का नौजवान अब अगर ये कहना शुरू हो जाए कि आप ये बर्गर खाने के बजाय, अपने पैसे वेस्ट करने के बजाय किताब ख़रीदें, किताब पढ़ें और किताब से सीखें, तो आपको यकीन कर लेना चाहिए कि पाकिस्तान वाकई ही बदल रहा है और इंशाल्लाह पाकिस्तान बदलेगा, ट्रेंड बदलेगा, नौजवान बदलेंगे और नौजवान ही कौमों की किस्मत का सितारा हुआ करते हैं। जब वो लीड करते हैं तो कौमें फिर दुनिया में किसी से पीछे नहीं रहती। अली, बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने देखा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने ख्यालात का इजहार कमेंट्स में कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।